फाइनेट शिव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक स्टिल लाइफ। एक पॉट है, पॉट में कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो पॉट का कलर हम ब्लू से करेंगे, ना कि येलो और ब्राउन से। तो एक डिफरेंट कलर से यूज़ करेंगे। चलिए पहले आउटलाइन करते हैं इसका, कुछ पार्ट में आउटलाइन करके ऐसे, और फिर कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू कलर लेके यहाँ तक करने के बाद में नीचे की तरफ थोड़ा लाइट लाइट होते जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा से मैं पिंक करूँगा। पिंक क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा बाद में। ये मैंने पिंक कलर ले लिया। इसके बाद लाइट ग्रीन से थोड़ा यहाँ कर देंगे। ये लाइट ग्रीन क्यों किया ये भी बताऊंगा मैं। इसके साथ मिक्स कर दिया मैंने। इसके बाद में जितने भी ये फ्लावर्स हैं इसको पिंक कलर से करेंगे। सेंटर में येलो कर देंगे। पिंक कलर से बिल्कुल आराम आराम से करना है। कुछ को मैंने ऐसे छोड़ छोड़ दिया इस तरह से, ऊपर की तरफ वाइट छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन से ये कर रहा हूँ मैं। इसके लीव्स जितने भी है लाइट ग्रीन, ये आपको कलर फील नहीं होगा, पर आराम से ऐसे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें बिना आउटलाइन के काम करने वाले हैं। अच्छी तरह से लाइट ग्रीन भर दिया, इन सब में डार्क ग्रीन, स्टेम में। ठीक है, अब ये यहाँ पे पिंक करना है मुझे, ठीक है। ये पिंक कलर का ये जो ये फ्लावर है इसके पेटल्स वगैरह गिर जाते हैं ना, कुछ ऐसे गिरे हुए भी हैं, इसके रिफ्लेक्शन उस पॉट में आ रहा है। मैं थोड़ा येलो से इसके सराउंड्स में बैकग्राउंड करूंगा येलो कलर का। अब लाइट ग्रीन लेके इस तरफ लाइट ग्रीन चलानी है, और ये अंदर के जाते आते थोड़ा लाइट हो जाए। येलो के ऊपर चला देना है बिल्कुल लाइट लाइट, बिल्कुल लाइट लाइट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये सब जगह काफी
दिक्कत होगी आपको तो इसको आराम से धीरे धीरे करना है, सारे जगह पे नहीं करना, यहाँ आसपास ही करना है। और इसको यहाँ ऊपर जाते ही मिक्स, इधर यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ये एरिया पे करना है ऊपर की तरफ लाइट। ये मैंने कर दिया इस तरफ, ठीक है, इस तरफ भी ऐसे ही करना है, नीचे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ लाइट, बिल्कुल। थोड़ा डार्क ग्रीन लेना है, इसके पास थोड़ा सा डार्क ग्रीन करना है ऐसे। ये एक्चुअली कपड़ा का फोल्ड दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ कपड़ा ही होगा ये। ये ग्रीन जो है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बॉटल पे आ रहा है, ये वोन चाइना का बना हुआ है, मिट्टी का नहीं है। गोल गोल घुमा के ऐसा कर सकते हो। अब डार्क ग्रीन से यहाँ थोड़ा भी ज्यादा ज्यादा करना है ऐसे ऊपर नीचे, इस ग्रीन के ऊपर आते ही मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। एक बार लाइट ग्रीन फिर से चला देंगे इसके ऊपर, अच्छा सा स्मूथ कलर हो जाएगा। यहाँ भी चला दूंगा मैं लाइट ग्रीन, ठीक है। अब इस वायलेट को लेके यहाँ इस पे करना है, वायलेट चल नहीं रहा ढंग से, डार्क वाला वायलेट लेकर चलाता हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल चलिए। अब लाइट हमें इधर से दिखानी है, यहाँ एक थोड़ा सा हाईलाइट्स वगैरह दिखा देंगे, ऐसा छोड़ देंगे, इस तरफ डार्क, इस तरफ लाइट, इस तरफ डार्क करना है हमें। इसके ऊपर आते ही मिक्स करने हमें लाइट लाइट, बिल्कुल इसके बाद यहाँ हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और लाइट ग्रीन चला लेंगे इस तरह से। सैफ ग्रीन ले लेंगे, सैफ ग्रीन, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चला देंगे ऐसे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, आप थोड़ा इधर भी लाइट लाइट कर दे, सामने की तरफ डाल, दूर की तरफ लाइट लाइट, मैंने थोड़ा यहाँ भी कर दिया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक लेंगे, ब्लैक से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क चलाएंगे, ठीक है। यहाँ चलाया मैंने, इस एरिया पर नहीं करना, फिर ये इसके नीचे करना है, ये इस पोर्शन के नीचे, तो मैंने यहाँ से किया, नीचे की तरफ लाइट होगा, बिल्कुल लाइट मिक्स, यहाँ पे डार्क, ठीक है, यहाँ लाइट लाइट, बिल्कुल लाइट लाइट, यहाँ थोड़ा डार्क, यहाँ लाइट, ब्लू को फिर से थोड़ा और चला देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसा फोल्डेड थोड़ा कपड़ा है, तो मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इस डार्क ग्रीन से, सैफ ग्रीन से लीफ को कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है, वन साइड में, लाइट ग्रीन से थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ कलर फिल कर दें, यहाँ थोड़ा ब्लैंक सा लग रहा तो मैं अच्छी तरह से फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, बिल्कुल यहाँ लाइट लाइट हो गया है, और थोड़ा येलो लेके इसको मिक्स कर दे तो ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, थोड़ा ब्लैक लेके, ब्लैक नहीं, पहले हम रेड लेंगे, थोड़ा थोड़ा टच करेंगे इस पे, बिल्कुल थोड़ा कहीं कहीं पर, ब्लैक से क्या करेंगे, थोड़ा टच करना है कहीं कहीं पे, जैसे मैंने सिखाया आपको, सारे जगह पे नहीं करने हैं, स्टेम में भी कहीं कहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद करना है थोड़ा वाइट, वाइट को क्या करेंगे, इस पेटल्स पे थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाना, ये चलेगा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे अगर ऐसे हो जाए अच्छा सा लुक एंड फील आएगा, ये मेन ये है, यहाँ पे हो जाए, इसके बाद पार्ट में ऐसे मैंने चला दिया थोड़ा सा, ये हाइलाइट्स दिखाने के लिए किया मैंने, ठीक है, आपको ज्यादा लग रहा तो मैनेज कर सकते हो ऐसे ही।
कहीं कहीं वाइट चला के आप लाइट कर सकते हो। पेटल को थोड़ा सा मैं ब्लैक से हल्का सा ऐसे टच कर दे रहा हूँ। थोड़ा ब्लैक लेके इस एरिया पे ऐसा मैं चला रहा हूँ, ऐसा मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मिक्स कर दूंगा मैं इस डार्क ग्रीन से। इसके ऊपर हम येलो चलाऊंगा मैं। इसमें बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ आज, आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड सीख जाओ। मैंने पहले बताया था बैकग्राउंड में काफ़ी काम करने सिखाऊंगा, तो ये वही सब है। थोड़ा लाइट भी चला दिया इसके ऊपर। यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे करके चला देता हूँ ब्लैक को। इस ब्लैक को चलाने के बाद में इस ग्रीन से, फिर लाइट ग्रीन से मैं ऐसे चला दिया। एक बैलेंस करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं कि बैकग्राउंड से कैसे हम प्ले कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं, उभार के आ सकता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक लेके कहीं कहीं पे इस पेटल्स को डार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद ब्लैक से हम जैसे हमेशा की तरह करते हैं थोड़ा बहुत डालेंगे इस बार। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स हैं। तो ये मेरा एक कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है।
ठीक है। तो ये आपको यदि अच्छा लगता है, अगर मेरा वीडियो ऐसा ही लगा आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।